एसयूवी लवर्स के लिए एक काफी बड़ी गुड न्यूज है। अगले महीने होंडा कंपनी एक न्यू मिड साइज एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो कि कम्पीट करेगी हुंडई क्रेटा के साथ, किया सेल्टोस के साथ। इसके अलावा स्कोडा की कुशक, फोक्सवैगन की ताइगुन और न्यूली लॉन्च विटारा और हाईराइडर के साथ इस कार का मुकाबला होने वाला है। तो अगले महीने एक न्यू मिड साइज एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और वो कार हुंडा इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अभी फिलहाल के लिए ये कार टेस्टिंग फेज में है, लेकिन सबसे पहले इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इस कार को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कार कंपनियां ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले कारों को लॉन्च कर दी है, यानी सबसे पहले इंडोनेशियन मार्केट में कार को लॉन्च किया जाता है, पहले उसको वहां पर बेचा जाता है, उसके बाद वो कारें इंडियन मार्केट में आ जाती है। लेकिन हुंडा की इस एसयूवी कार के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, इसको यहाँ पर उतारा जाएगा, उसके बाद इसको ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। हुंडा कंपनी इस अपकमिंग एसयूवी कार को एचआरवी इस एसयूवी कार के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप करेगी और इस एचआरवी कार को ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो कुछ रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि इस न्यू एसयूवी कार के अंदर आपको हुंडा सिटी वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये इंजन आपको लगभग 120 पीएस की पावर आउटपुट और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि होंडा कंपनी इस कार के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन भी देगी। जिस तरह से होंडा सिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है, तो सेम चीज आपको होंडा की इस अपकमिंग एसयूवी कार के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है। और इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर आज के डेट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर के अंदर ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही कारों को टक्कर देने के लिए होंडा अपनी न्यू एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में अगले महीने लॉन्च करने वाली है। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में क्रेटा कार आ जाए, यानी क्रेटा यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है। क्रेटा के बाद विटारा का नंबर आता है और विटारा ने काफी बढ़िया तरीके से मार्केट को कैप्चर किया है। ग्रैंड विटारा का सेल काफी बेहतरीन तरीके से इंडियन मार्केट में हो रहा है और कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड विटारा के बाद सेल्टोस का नंबर आता है, सेल्टोस के बाद टाइगुन, कुशक, एस्टर, ये कारें आ जाती है। लेकिन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए क्रेटा का दबदबा चल रहा है। खैर, अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो होंडा की इस अपकमिंग एसयूवी कार का एक्सटीरियर लुक आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, यानी फ्रंट का फीशा नया रहेगा, रियर का फीशा आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसका स्टाइलिंग होने वाला है, यानी इस कार का रोड प्रेजेंस आपको डेफिनेटली अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग के तौर पर आपको एलईडी डीआरएल का सेटअप मिल जाएगा, एलईडी हेडलैम्प का सेटअप भी दिया जाएगा, फ्रंट के ग्रिल्स कम्प्लीटली नए रहेंगे, फ्रंट के बम्पर्स और रियर के बम्पर्स आपको थोड़े से स्पोर्टियर मिल जाएंगे। रियर में न्यू डिजाइन एलईडी टेललाइट का सेटअप भी दिया जा सकता है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो बहुत सारे फीचर्स आपको होंडा सिटी के ही मिल जाएंगे, यानी आज के डेट में जितने भी फीचर्स होंडा सिटी के इंटीरियर में दिए जाते हैं, सेम फीचर आपको इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल सकते हैं, या फिर शायद कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पर होंडा कंपनी ऑफर कर सकती है। इसके इंटीरियर में आपको नया डैशबोर्ड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होंडा कंपनी ऑफर करेगी, यहाँ पर मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कार के अंदर आपको सेफ्टी के तौर पर एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी होंडा ने अब सिटी के अंदर ऑफर करी है, तो यहाँ पर इस कार के अंदर भी आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। और अगर मैं कीमत की बात करूँ तो इस कार की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, या फिर 11 लाख रुपए से इस कार की कीमत शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है होंडा की इस एसयूवी कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और साथ ही में ये भी बता देना कि होंडा की ये कार क्रेटा, सेल्टोस, टाइगुन, कुशक, एस्टर को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना,